गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे प्यारे बच्चों आप लोग, अब आप लोगों ने जो मैंने नया सिलेबस का एक वीडियो डाला था यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा और समझ में भी आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों को। अदरवाइज और भी सब्जेक्ट में आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप रिलेटेड टीचर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। जहाँ तक साइंस सब्जेक्ट की बात है, आप लोग, मैंने डिस्क्राइब से डिटेल से वीडियोज प्रोवाइड करा दिया था कि आपका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरीके से पढ़िए, मेंटेन करिए अपनी पढ़ाई को, पढ़ाई का नुकसान मत होने दीजिए, जितनी आप लोग कवर करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए टॉपिक चालू करते हैं हम। आज आपका टॉपिक जो रहेगा, इसके लिए पेज नंबर 171 निकालिएगा पहले आप लोग। आप लोग पेज नंबर 171 निकालिएगा, नीड फॉर मेजरिंग स्केल। नीड फॉर मेजरिंग स्केल, आखिरकार हमें मेजरिंग करने के लिए स्केल की जरूरत पड़ी थी। अब कल मैंने बताया था कि मेजरमेंट है ना, हमें जरूरत तो है लेकिन किससे करें, हमें कुछ चाहिए भी तो सही मेजरमेंट के लिए। आइए, वी कैन अप्रिशिएट द नीड फॉर स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बाय नोइंग सम कॉन्वेंशनल मेजरमेंट्स एंड देयर शॉर्ट कमिंग्स। ए स्टैंडर्ड यूनिट इज ए यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर, फॉर मास इज किलोग्राम एंड यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड। सबसे पहले मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स चाहिए। किससे मेजरमेंट के लिए वो अप्लाइंस चाहिए हमें। तो इस तरीके से धीरे धीरे जाना गया और पता लगा, बाद में बताया गया कि स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया जिसमें यह बताया गया कि कोई भी मेजरमेंट में नंबर्स और उसके यूनिट दोनों होना जरूरी है। तो यूनिट को डिसाइडेड किए गए जिसमें अंडरलाइन करेगा, द स्टैंडर्ड यूनिट इज मेजरिंग लेंथ इज मीटर, लंबाई की तो क्या होती है मीटर, फॉर मास इज किलोग्राम, द्रव्यमान की किलोग्राम, एंड टाइम इज सेकेंड, समय की सेकेंड होती है। ठीक है, फिगर ए शो टू रोड्स ए बी एंड सी डी विच आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, हाउ एवर टू नो विच वन इज लॉन्गर, वी कैन प्लेस देम साइड बाय साइड एज शोन फिगर बी, thus we can see that road CD is longer and a road AB longer than road AB। आपको AB और CD जो फिगर एक में सेम सा दिख रहा है, लेकिन जब इसको स्टेट करते हैं ना और जब इसको मेजर करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो आपका CD है वो longer ज़्यादा है देन AB। AB आपको आपको क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और CD आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, However, there are situations when you just cannot move object and place them side by side. Take the example of your teacher and the dining table in your home. If you want to know which of the two is longer, just we can just carry the teacher table. If your home is dining table, use the school. However, if you measure the length of the teacher table by the spans of your palm, compare. If length of dining table, you can easily find out the two tables of longer. एक दो टेबल आपको दिया गया है, आपको मीटर करना है कौन सा लंबा है कौन सा, क्या करोगे आप ऐसे ना, अपन लोग देखा होगा आपने एक बिलान ऐसे दो बिलान एक नापते कि नापते या एक हाथ दो हाथ ऐसे नापते होगा आपने देखा होगा गांव में लोग कैसे मीटर करते हैं। हम उस तरीके से पता लगाएंगे कि दोनों टेबलों में से कौन सा बड़ा है। नाउ थिंक व्हाट डू यू फाइंड द आंसर, क्या आप आंसर दे पाओगे। यू डिड मूव एनी ऑफ द टेबल्स Instead, move yourself the school dining room to make the measurement. You use a third object, that is a palm of your hand. Yani, आप किसी भी object को measurement करने के लिए third object का use लोगे, तभी जाके उसकी measurement के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए measurement होने के लिए third object का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम किसी भी object की actual measurement कर पाएंगे। ठीक है students, next video lecture में मैं scales और units के बारे में बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, वीडियो लेक्चर देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।